जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 15 जुलाई, 7 मुहर्रम और यार सिग्नल्स काफ़ी जगह पे बंद हैं। तो अभी 10:30 बज चुके हैं, घर से निकला था 10 बजे तकरीबन, ऑफिस भी जाना था। तो पहली राइड यार मुझे 20-21 मिनट बाद जो है ना बड़ी मुश्किल से मिली है, 180 रुपीज़ में। पोटवार मेट्रो स्टेशन I-9 से मुझे मिली है द कॉफ़ी हाउस I-93 की। टोटल 900 मीटर की राइड थी 180 की। लें जी, दूसरी राइड मुझे तकरीबन 5 मिनट बाद G10-4 की मिल गई है, G10 मरकज मेरी पेट्रोलियम की, 452 में यहाँ I-91 से 601 हाउस और ये मंगल बाजार के सामने। तो गाइस सारे रास्ते यार बंद जी, श्रीनगर हाईवे के साथ जो पैरेलल रोड है वो बंद। तो मैं अभी G9 मरकज और G10 मरकज क्रॉस करके यहाँ पे आया हूँ और एक्स्ट्रा 4-5 किलोमीटर पड़ गया। मैं क्या, चलो यार राइड ने भी बस उतने ही 452 बने थे, 450 रुपीज़ दिए। मैं क्या, चलो नसीब में लिखा था। अभी यार वापस बाहर की तरफ जा रहा, G10-3 जाना था लेकिन अब तो ऑफ करके जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इधर से भी बंद है, G10-4 का एरिया आइसोलेट किया हुआ है, G9 का एरिया आइसोलेट किया हुआ है मुहर्रम की वजह से और कुछ दीगर जो मामलात हैं पाकिस्तान के करंट अफेयर्स, करंट सिचुएशन है उसकी वजह से जो हैं तमाम रोड्स तकरीबन बंद गई हैं। इधर से भाईजान फैज़ाबाद आपका टोटल बंद पड़ा हुआ है, उसकी सारी ट्रैफिक जो है 9th एवेन्यू और डबल रोड की तरफ जा रही है। बाकी अंदर ये श्रीनगर हाईवे के साथ भी मामलात जो हैं बंद कर दिए हैं। अभी जी 2 बज चुके हैं और मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, कुछ काम था अभी, और अभी मुझे जाना है G9-4 में और साथ राइड मिल गई है G10-3 से G9-4 की। तो नोटिफाई मैंने पैसेंजर को कर दी है, तकरीबन 100 मीटर दूर है तो पहले ही मैंने नोटिफाई कर दिया। मैं कहा यार जल्दी बाहर आ जाए अगर रास्ते भी बंद हैं तो। चलें जी, ये 2-2.5 किलोमीटर की राइड होगी तो इसको भी अंदर करते हैं जी। जी तो दोस्तों रात के 8:15 बज चुके हैं, दिन को यार मैंने G10-3 से G9-4 की एक राइड उठाई है आखिरी, सुबह 2 उठाई थी और तीसरी ये। और भाई जी कल्टस का काम मेरी का खुल गया, एक इंजेक्टर काम ना करे, पहले स्टार्ट ना हो बंद होगी, पेट्रोल डलवाया 2-3 लीटर गैलन में और फिर उसके बाद जनाब इंजेक्टर एक काम नहीं कर रहा था। वो पता चला कि यार इसकी कंप्यूटर का ना ECU का जो एक IC जो है चल गई थी। तो भाई जी कुल मिला के 3,000 रुपया मेरा जो है आज खर्च हो गया, क्योंकि 2 ग्रिपें भी जो है, एक इंजेक्टर की ग्रिप थी, एक कॉइल की ग्रिप थी, वो भी डलवाई है और साथ IC भी। तो 3,000 रुपया लग गया। और साथ यार आज एक बैड न्यूज़ ये कि कज़न एक मेरी थी उसकी डेथ हो गई, तो उस सिलसिले में भी अब मुझे नेटिव विलेज जाना पड़ेगा जो कि मानसेरा से तकरीबन 60-70 किलोमीटर आ गया। यहीं तक ये व्लॉग था, अभी पानी घर के लिए यार फिल्टर से फिल करेंगे गैलन में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ फरमाए, सबसे राज़ी रहे। तो ठीक है दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, खुदा इन्हें के बाद।